अल्लाह मई यूट्यूब फैमिली उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ और बस टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से तो अभी मेरे पास आ रही है मेरी कुछ फ्रेंड्स तो मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी जो है वो पास्ता अच्छा मैंने कुछ दिन पहले बनाया था वो और मैंने इंस्टा पे ना ऐसे स्टोरी लगाई थी तो आप लोग सब लोग कह रहे थे रेसिपी बताएं रेसिपी बताएं तो मैं बनाने लगी थी दोबारा उस दिन बड़ा मज़े का बना था आज पता नहीं कैसा बनता है चीज़ वाला पास्ता क्रीमी पास्ता शायद मैंने पहले भी एक दफा रेसिपी शेयर की हुई है तो रेसिपी जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पर रिक्वेस्ट की थी सिर्फ उनके लिए आज बन रही है वरना किचन में जाके मोबाइल सेट करो रिकॉर्ड करो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ और आज यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही स्वेलिंग हुई हुई है लेकिन चलें जी कोई बात नहीं जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो चले आए किचन अच्छा आज ना मेरे पाँव पे स्वेलिंग भी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं जो दूसरे स्लीपर्स पहनती थी वो मैंने उतार दिए हैं अब मैंने ये वाले पहने हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसमें पेन हो रहा था पाँव में और ये मैंने हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो रिकॉर्ड कर ली है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी उसमें मैंने रखे थे लेकिन अब मैंने निकाल के पहन ही लिए क्योंकि ये कम्फर्टेबल हैं काफ़ी अच्छा जी तो फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आके सबसे पहले मैं बना रही थी यहाँ पे सैलड दोपहर के खाने के लिए और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहूँ क्योंकि लास्ट मंथ में आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे उतना जो है वो अच्छा होता है और यहाँ पे बस मैंने पास्ता जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था इंस्टा पे मैंने दो तीन दफ़ा बनाया था और पिक्चर वगैरह शेयर की थी तो बहुत सी मेरी फ्रेंड्स और मेरी बहनें कह रही थी हमारे साथ रेसिपी शेयर करें तो यहाँ पर आप लोगों के साथ आज मैं करी हूँ रेसिपी शेयर अच्छा जी गर्मियाँ आ गई हैं कपड़े आप लोगों ने भी ले लिए होंगे कपड़े मैंने भी ले लिए हैं स्टिच होने के लिए भी दे दिए हैं डिज़ाइनिंग कहाँ से ली है वो ली है मैंने इनके अकाउंट से इनका अकाउंट आप लोग देख लीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ और बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो इनके चैनल पर मिल जाएगी लॉन के कपड़े बनवाने शादी के बनाने और बजट में बनाने लाइक अगर तीन का बजट है और शादी का सूट बनाना है तो उनकी वीडियोज़ देख लो बहुत हेल्प मिल जाएगी रिसेंटली मैंने अपने तीन लॉन ड्रेसेस जो है वो स्टिच होने के लिए दिए हैं और इनकी वीडियो को देख के जो है वो दिए हैं स्टिच होके आएंगे तो दिखा दूंगी आप लोग भी इनका चैनल देख लीजिएगा स्टाइल विद नूर के नाम से है और इन्होंने काफी लॉन के ड्रेसेस शेयर किए हैं और बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो ये शेयर कर रही हैं अच्छा अगर मैं किसी चीज के बारे में बताती हूँ ना तो बड़ा सोच समझ के बताती हूँ कि वाकई ही उस चीज़ के ऊपर मेहनत हुई हो और वो चीज़ वाकई ही शेयर करने के काबिल हो तो ही मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ अदरवाइज नहीं करती इनसे मुझे काफी हेल्प मिली थी तो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था पास्ता ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा हो गया था बॉयल सब्ज़ी में मैं सिर्फ़ आज जो है वो इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और कोई भी सब्ज़ी जो है वो नहीं डाल रही हूँ अगर आप कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है आपने पास्ता को अच्छे से बॉयल कर लेना है लेकिन इतना ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ही ये जो है ना वो गल जाए अच्छा फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने लस्सी भी बनाई थी अपने लिए तो मैंने थोड़ी सी साथ लस्सी ले ली मिया यहाँ मोबाइल यूज़ कर रही थी मेरी फ्रेंड ने आना था तो मैंने कहा कि चलो वो जब आ ही जाएगी ना तब मैं फ़्रेश फ्रेश जो है वो बना लूँगी बॉईल करके सब्जियाँ वगैरह कट करके मैंने रख दिया था अच्छा बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरी डिलीवरी डेट जो है वो कब है तो इन शाला रमजान में है और इसी ही मंथ है ड्यू डेट जो मेरी है वो इसी मंथ है तो आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा बरकत का महीना है और अल्लाह पाक जो है वो अपना रहम फरमाए और मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे अच्छा मैंने ऑयल डाल लिया था ऑयल मैंने कम ही रखा था आप लोग बोलेंगे बहुत कम कंजूसी में ऑयल डाला तो इसमें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा जो मेरे पास घर में चिकन रखा हुआ था मैंने वही यूज़ कर लिया बोनलेस जो है वो मैंने नहीं लिया आप चाहो तो बोनलेस जो है वो यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरे पास ये तो थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैंने यही जो है वो यूज़ कर लिया क्योंकि कोई और लेके आने वाला था नहीं अभी इसी में शिमला मिर्च जो है वो मैं लग डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं करूँगी फ्राई और कोई भी सब्ज़ी इस पॉइंट पे मैं नहीं डाली थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस देन मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी वेनेगर और मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं मैंने इसमें डाला था मैं क्रोनी के पैकेट के साथ जो मसाला आता है वो वो आपके पास नहीं है तो आप इसमें तिक्का मसाला डाल सकते हैं नमक डाल लें और इसमें अगर कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल लें अच्छा इसमें आप जो है वो रेड रेड चिली पाउडर भी डाल लें और थोड़ा सा जो है वो इसमें आप नमक भी ऐड कर लें अच्छा मैं थोड़ा सा मसाला हमेशा स्पाइसी रखती हूँ क्योंकि मुझे फीकी फीकी मैकरोनी या पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप जो है वो इसमें कम जो है वो नमक मिर्च मसाले जो है वो डाल सकते हैं और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई जब तक हमारा ये पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता जो भी मैं इसमें सॉसेस वग़ैरह डाली थी जब ये थोड़ा सा हो जाए पानी इसका जो है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ फ़िलहाल इसको लगेंगे पाँच से दस मिनट और ये हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ भर के एक चम्मच लाल मिर्च पसंद है तो डाल लें नहीं पसंद तो बेशक मत डालें लेकिन मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ तो इसीलिए मैंने जो है वो थोड़ा स्पाइसी रखा था अच्छा पहले मैं रेसिपीज़ वग़ैरह शेयर करती रहती थी अभी मैंने जो है वो कम कर दी है क्योंकि अभी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इतनी मैंने कोई कुकिंग की नहीं है जो थोड़ी बहुत कुकिंग की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका था साथ साथ बन रही थी चाय और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी तो मैं उससे कट करवा रही थी चीज़ अच्छा मैं इसमें चैडेड चीज़ जो है वो डाल रही हूँ आप लोग चाहें तो इसमें मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास इस वक्त जो है वो चैडेड चीज़ ही अवेलेबल थी तो मैंने वही डाली और बाकी अभी हम बनाएंगे इसकी सॉस और सबसे पहले मैं ले लूँगी कढ़ाई और कढ़ाई में हम लोग डाल लेंगे बटर और बटर को करेंगे थोड़ा सा मेल्ट और जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे मैदा अच्छा मेरे पास मैदा नहीं था घर पर तो मैंने क्या किया था इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल लिया था क्योंकि मैदा तो अवेलेबल ही नहीं था ऐसा कभी कभी होता है कि घर में अगर कोई चीज़ बनानी हो ना मुझे था कि शायद रखा हुआ है लेकिन अम्मी कह रही थी वो ख़राब हो गया तो फिर अम्मी ने जो है वो फेंक दिया था और अम्मी ने यहाँ पे डाला था इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर के कॉर्नफ्लोर से भी जी जायका अच्छा आ जाएगा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुटलियाँ जो है वो ना बने और फिर इसके बाद करते नहीं है फ़्लेम बंद और इसमें डालना है एक कप जो है वो दूध और फ्लेम बंद करके डालिएगा वरना इसमें गुटलियाँ बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और आपने साथ साथ जो है वो आपका जो हाथ में चम्मच होगा उसको चलाते रहना है ताकि किस्म की कोई भी गुटली जो है वो ना बने अच्छा फिर आपने इस तरीके से मिक्स कर जिससे हम लोग अक्सर शरबत वगैरह बनाते हैं भी इसको पता नहीं क्या कहते हैं भी मुझे नाम भूल गया पता नहीं इस चम्मच को क्या कहते हैं इसके साथ आपने अच्छे से जो है ना वो इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने क्योंकि अगर गुठली बन जाएगी तो टेस्ट अच्छा आएगा नहीं जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा ये वाला तो इसमें हम लोग फिर डाल देंगे चीज़ और चीज़ भी डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि अगेन जो है वो गुठली ना बने चाहे इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था मिल्क थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने क्योंकि काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो रहा था ये थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पे हमारी सॉस तैयार थी सॉस में मैंने सिर्फ़ इसमें डाला है ब्लैक पाउडर और इसमें थोड़ा सा आप लोग नमक डाल लें और यहाँ पे हमारी जी चीज़ी सॉस जो है वो हो जाएगी रेडी और ये बहुत ही मज़े का बनता है आजकल मुझे चीज़ी सॉस जो है वो चीज़ी सॉस वाला ज़्यादा अच्छा लगता है पास्ता और दूसरे वाला नॉर्मली जो हम घर में मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं वो इतनी मज़े वाली नहीं लगती अच्छा मैंने जब ये स्टोरी लगाई तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे आप ही आप हलवा बना रही हैं तो जी नहीं हलवा नहीं था वो ये मैं यही वाला पास्ता जो है वो बना रही थी और यहाँ पे अच्छे से हम लोग सॉस को कर लेंगे मिक्स और अभी इसमें हम लोग डालेंगे पास्ता पहले हम लोग इसमें डालेंगे ये चिकन वाला मसाला जो हम लोगों ने बनाया हुआ था और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स अच्छा साथ में यहाँ पे अम्मी जो है वो कर रही थी मिक्स और मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी एक तो मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं इतनी अच्छी हैं ये मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो वो कहती हैं कि तुम छोड़ो मैं कर देती हूँ मैं बना देती हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़ुद को जो है ना वो डिपेंड ना करूँ किसी के ऊपर और यहाँ पर अम्मी ने फिर मिक्स कर दिया था मैकरोनी वो पास्ता भी मिक्स कर दिया था और साथ में हम लोगों ने मसाला भी मिक्स कर दिया था और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पास्ता रेडी तो मेरी फ्रेंड कह रही है कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है क्या तुम अजीब सी लग रही हो कोई अच्छे से हो यार हो ये वो कि मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बना लिया है ना शुक्र अदा करना चाहिए मेरी जैसी भी हालत है उसे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए तो बस पास्ता मैंने बना लिया है बड़ा मज़ेदार बनाया तो हम लोग खाने लगे रेसिपी जो लोग कह रहे थे शेयर कर दी है तो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना यार अच्छा जी ये है पास्ता की फ़ाइनल लुक वैसे भी मैंने आपको दिखा दी थी आप लोग बनाइएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही मज़े की आपको लगेगी और खा के आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी फ़्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा था मुझे भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगा था और ये छोटी सी मेरी रेसिपी थी जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी एज़ वेल एज़ मेरे हस्बैंड का भी चैनल है उन्होंने बनाया है तो उनको भी सपोर्ट करिएगा अच्छा जी कम्यूनिटी में उनका चैनल होगा देख लीजिएगा लाइफ विदवासी के नाम से और यहाँ पर मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ और पास्ता की दूसरी शिफ्ट लगा रही हूँ खाने के अल्लाह हाफिल